ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूजनीय मातृशक्ति एवं आदरणीय बंधुओं, आप सबको 57वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारतीय योग संस्थान इस शुभ दिन पर संस्थान के सभी अधिकारियों, शिक्षकों, कार्यकर्ताओं व साधकों को 57वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता है। संस्थान की स्थापना आज से 56 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1967 को भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के नज़दीक चुपुर्जा पहाड़ी पर पहला योग का केंद्र खोल करके हुई। यह प्रथम योग केंद्र तीन दिव्य आत्माओं के आपसी सहयोग से खोला गया। ये तीन दिव्य आत्माएं कौन थी? परम श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी, श्री जवाहरलाल जी और श्री रामेश्वर दास जी, जिनके हाथों से इस दिव्य पौधे का रोपण किया गया, जो आज फल फूल करके पूरे विश्व में फैल करके एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। जो पहले योग केंद्र की पहली स्थापना की गई, उस समय एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। संस्थान का लक्ष्य क्या होगा? भारत की संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन। भारतीय योग संस्थान जियो और जीवन दो के सिद्धांत को लेकर के चला। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। लक्ष्य बहुत बड़ा था, उसके लिए संसाधनों की जरूरत थी। भारतीय योग संस्थान ने निर्णय लिया क्या कि ग्रस्त सन्यासियों का निर्माण किया जाएगा और एक निष्काम सेवा कर्मियों की लंबी श्रृंखला तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा समाज के सभी वर्गों को योग की निःशुल्क शिक्षा देते हुए एक स्वस्थ समाज की स्थापना की जाए। संस्थान पिछले 56 वर्षों से इस लक्ष्य पूर्ति के लिए पूरे तन मन धन से प्रयासरत है। उसी प्रयास का यह एक परिणाम है कि आज संस्थान पूरे भारतवर्ष में 4500 से अधिक योग केंद्र खोलकर कई हज़ार अधिकारियों, योग विशेषज्ञों और निष्काम सेवा कर्मियों की एक सुंदर लंबी श्रृंखला तैयार कर चुका है। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को भारत व विदेशों में स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि अधिकतम संख्या दिवस के रूप में पूरी धूमधाम के साथ हम लोग मनाते हैं। इस दिन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, सरस्वती वंदना की जाती है, भजन होता है, सामूहिक साधना करवाई जाती है, केंद्र प्रमुख द्वारा योग के महत्व पर एक विशेष चर्चा की जाती है और पश्चात हमारे जो मुख्य अतिथि, जो उसी क्षेत्र के कोई एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जिसको एक मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, उनका आशीर्वाद या आशीर्वचन उनके द्वारा दिया जाता है। भारतीय योग संस्थान के लक्ष्य प्राप्ति में हमारे सभी अधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं, सभी केंद्र प्रमुखों और सभी शिक्षकों का की एक विशेष भूमिका रहती है। केंद्र प्रमुख वास्तव में संस्थान की एक रीढ़ है, यह संस्थान की एक पूंजी है और यही संस्थान के साधन हैं हमारे। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी केंद्र प्रमुख हैं, यही वास्तव में संस्थान को आगे ले जाने वाले हैं। ये हमारे सच्चे साधन हैं। केंद्र प्रमुख और कार्यकर्ता, शिक्षक मिलकर के ही संस्थान का विस्तार करते हैं, वही कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं आगे, वही नए केंद्र खुलवाते हैं। संस्थान सामान्य व्यक्ति को तराश कर उसे केंद्र प्रमुख बनाता है। जैसे मंदिर में पत्थर से तराशी गई दिव्य मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार संस्थान भी एक सामान्य व्यक्ति को योग सिखाकर उसे तराशने का कार्य करता है और एक दिन उसे किसी एक योग मंदिर में केंद्र प्रमुख की नियुक्ति, उसको नियुक्त करके उसे एक मंदिर के पुजारी की भांति कार्यभार संभाल दिया जाता है। समाज सेवा का केंद्र प्रमुख एक देवता के समान पूजनीय बन जाता है,
जो बिना स्वार्थ के अपने क्षेत्र के सैकड़ों व्यक्तियों को योग का साधक बना करके उनको एक सुंदर जीवन जीने और स्वस्थ जीवन जीने के मार्ग पर लेकर के चलता है। केंद्र प्रमुख की अपनी दिनचर्या स्वतः ही स्वस्थ बन जाती है, वह उस एरिया का, उस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है और वह समाज का एक मार्गदर्शक बन जाता है। 365 दिन हमारा केंद्र प्रमुख योग के केंद्र का संचालन करता है। आप यूं कहिए कि वो धीरे धीरे गृहस्थ सन्यासी का रूप धारण कर लेता है। भारतीय योग संस्थान का केंद्र प्रमुख वास्तव में दिव्यता से ओतप्रोत होता है। आज भारतीय योग संस्थान के 57वें स्थापना दिवस पर मैं अपने सभी केंद्र प्रमुखों को शत शत नमन करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह स्वस्थ समाज का निर्माण करते हुए वह समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए योग के प्रचार और प्रसार हमेशा हमेशा करते रहें। इस अवसर पर मैं अपने सभी केंद्रीय, प्रांतीय, जिला व क्षेत्रीय अधिकारियों, शिक्षकों तथा सभी साधकों को भी 57वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सभी वास्तव में संस्थान की अमूल्य धरोहर हैं। अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आप सभी निष्काम सेवा करते हुए संस्थान को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमेशा हमेशा योगदान देते रहते हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम सब आपस में मिलकर के संस्थान के लक्ष्य प्राप्ति में अपना अपना यथासंभव सहयोग देते रहेंगे। अंत में फिर आप सबको 57वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।